की जानी मानी कंपनी आबिद एंड अल सुलेमानी कैटरिंग कंपनी, जिसका इंटरव्यू कोलकाता में होने वाला है। ये उसी कैटरिंग कंपनी का आप वीडियो देख रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और जिसका इंटरव्यू 18 तारीख को कोलकाता में होगा। पोजीशन 1 से लेकर 19 पोजीशन है इसमें। सबसे अच्छी बात ये है ना कि हिंदी स्पीक अगर आप करते हैं, मतलब हिंदी बोलने वाले भी बंदे एक्सेप्ट हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश इसमें बोलना है। फ्रेशर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है, एक अच्छी चांस मिलने वाला है। 18 तारीख को आप भी आएँ कोलकाता, अगर आ सकते हैं तो। और अगर नहीं आ सकते हैं तो ये वीडियो को गुजारिश है आपसे कि आप ज़रूर देखें। ओमान में ये कंपनी है एस जे आबिद अल सुलेमानी कैटरिंग कंपनी का आप वीडियो देख रहे हैं। फेस टू फेस क्लाइंट इंटरव्यू होगी 18 तारीख को, जिसमें पोजीशन और सैलरी दोनों में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें हाइजीनिस्ट कैटेगरी के बंदे चाहिए, ये क्या है मुझे भी नहीं पता, जिसकी सैलरी 200 से 300 ओमानी रियाल है। रेसिडेंट मैनेजर चाहिए, जिसकी सैलरी 375 ओमानी रियाल से 450 ओमानी रियाल मिलेगी। इसी तरह कैटरिंग मैनेजर है, जिसकी सैलरी 250 से 350 ओमान की करेंसी मिलेगी। सीनियर कैटरिंग सुपरवाइज़र, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र, लॉन्ड्री सुपरवाइज़र और जनरल कुक, असिस्टेंट कुक। अगर आप बेकरी का काम करते हैं तो बेकर की भी इसमें ज़रूरत है। कंपनी आपको फूड भी देगी, कंपनी एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सब कुछ प्रोवाइड करेगी। 8 से 10 घंटे का इंटरव्यू हो, 8 से 10 घंटे का काम होगा। मैं इंटरव्यू कह रहा था, हफ्ते में आपकी 4 छुट्टी होगी। एज लिमिट 22 से 45 साल के बंदे अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कुक के बाद बेकर का काम है, बेकरी मेकर का, रूम बॉय, जनरल क्लीनर का काम है, अरेबिक कुक का काम है, वेटर भी चाहिए इन्हें, बूचर भी चाहिए, ग्राइंडर भी चाहिए इसमें, सॉरी गार्डनर भी चाहिए इनको, डिशवाशर भी चाहिए, किचन टेक्नीशियन भी चाहिए मेंटेनेंस के लिए, फायर अलार्म टेक्नीशियन चाहिए मेंटेनेंस के लिए, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और स्विमिंग पूल अटेंडेंट एंड एसी टेक्नीशियन। ये सारा चीज़ जो आपको मैंने बताया है, और ये जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके इसमें सिलेक्शन होती है तो शायद आप भी यहाँ पर जाएंगे। इनकी ये रिहाइश है जो ओमान में, ये देखें ये सहरा में है, एक मैदान में है, और वहाँ इन्होंने अपना एक कैंप बना रखा है, और बड़ा ही जानदार कैंप बना रखा है। आप देखें तो आपको साइड में स्विमिंग पूल भी दिख रहा है। अभी जो मैंने बोला स्विमिंग पूल के लिए बंदे चाहिए, तो इसी के लिए चाहिए। अब इतनी बड़ी विला है, इतनी बड़ी रहने के लिए विला है, तो इसमें मेंटेनेंस के काम तो लगेंगे। कंपनी आपको प्लेग्राउंड भी दे रही है, बस की सुविधा भी दे रही है, खैर जहाँ भी आपके काम हो। अब ये रिहाइश है कि आपको यहीं रह के काम करना, ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो दिखा रहा हूँ वो इसी कंपनी का है। अब इससे मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो आपको दिखाया जा रहा है शायद आपको कहीं और भी मिले, कंपनी की कोई और भी रिहाइश हो, कंपनी की कहीं और भी रहने सहने का इंतज़ाम हो। तो 18 तारीख को अगर आप आ सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन का नीचे हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होगा कामरान भाई का, कामरान भाई से आप कॉन्टेक्ट कर लें और आप आएं। और ओमान के लिए सिर्फ आपको गम का मेडिकल कराना पड़ेगा, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहरहाल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा।